हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टेक्निकल सोयल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो, ये हमारे पास जार आया है और इसका ब्लेड टूट गया है। ये अंदर जिसमें जो ब्लेड लगा हुआ है वो ब्लेड टूट गया है। तो ये ब्लेड जो है इसमें इसका बुश कट गया है, इसलिए ये ब्लेड टूट गया है। तो बुश में बहुत प्ले हो जाती है तो ब्लेड टूट जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं इसको रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ और ये भी बताऊंगा आपको कि इसमें हमारा कितना खर्चा आया है, पैसे ले सकते हैं। और इसमें हम एक ब्लेड चेंज करेंगे जो ब्लेड टूट गया है, और इसका बुश चेंज करेंगे, ये दो आइटम चेंज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें देख सकते हो आप, इसमें सारे बुश हमारे हर मॉडल के बुश इसमें हैं। तो हम इसका बुश चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले हम इसकी ये कपलिंग खोल लेते हैं। और ये हमारी कपलिंग खुल गई है और ये देख सकते हो आप, ये इसका ये एक तरफ का ये ब्लेड टूट गया है। ये बुश में प्ले बहुत हो गई थी इसलिए ये ब्लेड टूट गया है। तो सबसे पहले हम ये ब्लेड इसमें से खोल लेते हैं। और आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि ये हमारा कितना खर्चा इसमें आया है और हम कस्टमर से इसमें क्या चार्ज करेंगे, आपको सारी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। ये हमने ब्लेड, अब ये हमारे पास नया ब्लेड है जो सेम मॉडल है जो इसमें लगा हुआ था, हम वही ब्लेड इसमें नया ब्लेड लगा देंगे। और ये ब्लेड हमने चेंज कर लिया है इसमें अपना। अब हमारा इसमें नया ब्लेड लग गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका ये जो है बुश निकाल के दूसरा नया बुश लगाएंगे। और इसका आपको हम बुश निकाल के दिखाते हैं। इसमें से ये बुश बहुत कट गया इसलिए ये बुश निकालना पड़ेगा हमें। और ये देख सकते हो आप, ये बुश हमारा निकल चुका है। हम इसकी जगह यही 089 का दूसरा एक बुश लगाएंगे नया बुश। और ये देख सकते हो आप, हम इसमें ये नया बुश लगाएंगे। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, भाई ये 089 की ये साफ्ट आपको रखनी है और यहाँ पे बुश रख के और आप इसको ठोक देना है, आपको आपका बुश बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो हमारा बुश इसमें लग चुका है। और अब हम अपनी ये जो ब्लेड में साफ्ट लगाई, ब्लेड लगाया था नया ब्लेड, उसको इसमें लगा देंगे। लेकिन ये नया बुश है इसलिए अभी काफ़ी टाइट है। तो अब काफ़ी टाइट है ये अभी बुश। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हमारे पास रैमर होती है जो बुश में, अगर बुश टाइट है तो उसको प्ले करने के लिए होता है आइटम। तो उसमें हम रैमर मारेंगे और ये बुश हमारा हल्का सा प्ले हो जाएगा और फिर आराम से ये चला जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें अब मैं आपको रैमर मार के दिखाता हूँ, ये बहुत टाइट है इसका बुश। और अब इसमें थोड़ी सी प्ले हो गई है तो ये हमारी साफ आराम से इसमें लग जाएगी, बिल्कुल सेट हो गया इसमें जैसा कि आप देख सकते हो। और इसमें अभी भी हम ये आप यहाँ पे आपको साफ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे जो जितनी ये मोटी अंदर से साफ आई है हमें इसको बंद करना है। मतलब इसमें दो तीन जो भी वार्सल लगेंगे वो वार्सल लगाने हैं, उसके बाद अपनी कपलिंग इसमें टाइट कर देनी है। वो वार्सल लगा दिए हैं और अब ये कपलिंग हम इसमें टाइट कर देंगे।
और ये कपलिंग हमने लगा दी है और चाबी से ये आप चाहो तो प्लास से भी कर सकते हो अगर आपके पास चाबी नहीं है। बाकी ये देख सकते हो कि हमारा जार बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कितना चार्ज हमारा, कितना खर्चा आया इसमें और क्या चार्ज हम कस्टमर से लेंगे। तो हमने इसके 50 रुपये ब्लेड के ऐड करे थे कस्टमर से बताए थे, और 50 रुपये बुश के बताए थे। तो इसके पूरे 100 रुपये हम कस्टमर से इन दो आइटम के लेंगे। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।